विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक चरण सिंह ठाकुर जी हमारे समक्ष है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नरखेड़ के खड़की गांव में जो किसान की इलेक्ट्रिक करंट से आज उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप ये बताइए कि आप वहां गए, आपने खुद जायजा लिया, ये किस तरह से हादसा हुआ है, उस संदर्भ में आप बताइए। किसान निसर्ग के लहरी वातावरण की वजह से पहले ही परेशान है और ऊपर से खरीफ की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई है हमारे क्षेत्र में। लेकिन अभी रबी के पीक के लिए हमारे यहाँ का एक किसान नरेंद्र उर्फ नारायण मारुतराव काड़े, ये सवेरे पहटिया वहाँ पे अपने खेत में जा रहे थे। खेत में जाते समय बिजली के दो तार नीचे जमीन पे टूट के पड़े हुए थे, उसमें उनका पैर लगने से उनकी आज मृत्यु हो गई है। वो घर में कार्यकर्ता करके उनकी ये थी, उनके भरोसे उनका परिवार चलता था। बहुत दुखद घटना हुई है। मेरी हमारी सरकार से निवेदन है कि किसानों को रबी के फसल के समय में किसी भी हालत में दिन में लाइन दी तो किसानों को वो सुविधा होगी, क्योंकि ठंडी का एक तो मौसम है और ठंडी का मौसम के वजह से सवेरे जाना, रात में पानी के लिए वहाँ पे खेती में जाना, ये बहुत दिक्कत हो रही है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब से है कि जल्दी से जल्दी इस विषय में शासन द्वारा ये निर्णय हो और मृतक जो हमारा किसान है उसको, परिवार को उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी मिले। ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, जैसे आपको पता चला आप तुरंत अपने दल बदल सहित वहां गए, वहां समय मौके पर आपने पूरा जायजा लिया, तो आप ये बताइए ये जो जो घटना हुई काफी दुर्दैवी हुई, तो शासन से जैसे आपने मांग की मुआवजा के, तो आप ये बताइए आपने कुछ एक डेडलाइन दी है कि शासन को? एमएससीबी के मुख्य अभियंता से मेरी बात हुई है, उन्होंने दो दिन के अंदर में उनके परिवार को जो एमएससीबी दुर्घटना के बाद में जो मुआवजा देती है वो 4 लाख रुपए का मुआवजा जल्दी से वो देने वाले हैं। लेकिन इससे उसके परिवार का नुकसान हुआ है, वो तो भर के नहीं निकल सकता। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि उसको उचित मुआवजा मुख्यमंत्री निधि में से दिया जाए। आखिर में बात यह है कि बिजली की समस्या जो है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा देखी जाती है, किसानों को इस बिजली के वजह से काफी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि रात में बिजली देना उचित है? यह सरकार हमारी संवेदनशील है, किसानों के हर समस्या के लिए वहाँ पे सरकार ने निर्णय लिए है। एक बिजली की जो समस्या है वो बहुत संवेदनशील विषय है और सभी वर्गों को, सरकार को वहाँ पे देखना पड़ता है। लेकिन मेरी गुजारिश सरकार से यह है कि वो जल्द से जल्द इस विषय में कुछ तो भी निर्णय करके किसान को वहाँ पे इस दिक्कत से दूर करे। जी, जैसे देखा गया है काटोल क्षेत्र जो है यहाँ पे किसानों को हर तरह की समस्या से जूझना पड़ता है, बरसात के वजह से, पानी की समस्या के वजह से, बिजली समस्याओं से तो परेशान है। हमारा यहाँ का लोक प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता, इसलिए 20 सालों से यहाँ पे समस्या ही समस्या है किसान के बारे में। लेकिन जिस तरीके से हमारे किसानों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, सिंचन की व्यवस्था है, बाकी की जो व्यवस्था है, किसानों को बाकी का मार्गदर्शन है, कृषि विभाग का मार्गदर्शन है, ये समय पे मिलता नहीं है। जमीन की पोत खराब हो गई है, इसके लिए मार्गदर्शन नहीं मिलता है। जो बीज है, बीज अच्छा नहीं मिलता है, उसके बारे में मार्गदर्शन नहीं होता है, उसके ऊपर में कुछ तो भी प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन आमदार की उदासीनता के कारण हमारा किसान पिछले 20 सालों से परेशान है। किसानों ने हमेशा यह मांग की है कि उनको सोलर बिजली प्रदान की जाए, जबकि शासन उस तरफ उदासीन है और जो दिन में देना चाहिए ना देखे रात में। नहीं, सोलर के लिए देवेंद्र फडणवीस साहब ने उचित कदम उठाया है और घोषणा भी जाहिर की है किसानों के लिए। उसके लिए भी थोड़ा इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन किसानों ने भी अच्छा प्रतिसाद दिया है, जल्दी ही इस समस्या में से हल निकलेगा, इसके लिए मैं अपने सरकार के प्रति आशावाद हूं। भविष्य में इस तरह की दुर्दैवी घटना न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए शासन से कारगर कदम उठाने के लिए आप क्या अपील करोगे?
नहीं, अपील तो की है और शासन से मैं आशावादी भी हूँ कि शासन इस बारे में संवेदनशील सरकार है तो इस बारे में जरूर किसानों को न्याय मिलेगा। जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव में जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम कार्य पूरा नहीं होता, इससे कई पूरी जनता वंचित है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको अभी कहा ना कि हमारे आमदार जो है 20 साल से चुन के आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जिस गति से किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, सबके लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, इसलिए निराशा है। किसानों में भी निराशा है, युवाओं में भी निराशा है, लेकिन समय की मांग है। अभी आने वाला समय लोग उसमें न्याय करेंगे। अलग अलग समस्या है हमारे यहाँ पे किसानों को। अभी पंत प्रधान आवास योजना के घरकुल योजना मंजूर हुए है, लेकिन रेती नहीं मिलती। 45,000 रुपये का ट्रक उनको वहाँ पे लेना पड़ता है। शासन ने निर्णय जाहिर किया है, लेकिन जिलाधिकारी की उदासीनता से यहाँ पे गरीब लोगों को वहाँ पे रेती नहीं मिलती। ये अच्छी बात नहीं है, गरीब बहुत परेशान है, वो अपना घर कैसा बांधेगा? इसके लिए जिलाधिकारी ने वहाँ पे डेपो खोलना चाहिए, और उनको निवेदन देने के बाद भी वो बोलते हैं कि डेपो खुल जाएगा, काटोल में खुल जाएंगे, लेकिन अभी तक के कोई खुला नहीं है। 1,000-1,500 यहाँ पे मेरे लाभार्थी जो है, गरीब लाभार्थी, वो परेशान हो गए हैं। वहाँ पे रेती नहीं मिलने से घर नहीं बांध सक रहे। सरकार ने योजना दी है, पैसा दिया है, लेकिन रेती के अभाव में वहाँ पे वो घर नहीं बांध सकता। इसके लिए प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। चोरी की रेती जो आती है वो 45,000 रुपये का ट्रक यहाँ पे आती है, तो वो चोरी की रेती कैसी आती है? इस ओर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए हमारे गरीबों में निराशा का वातावरण। आपने आवास योजना की बात की है, काटोल तालुका अंतर्गत ऐसा भी देखा गया है कि एक ही परिवार में अलग अलग तीन भाइयों को दो दो तीन तीन आवास योजना के मिल चुके हैं। एक उसी गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक ही परिवार में दो दो तीन तीन चार लोगों को आवास योजना मिल चुकी है, और एक तरफ गरीब लोगों को नहीं मिल रही। माननीय प्रधान मोदी जी ने सबको घर मिले ऐसी योजना पंतप्रधान आवास योजना की लाई है। इसमें जिसके पास में नागरी क्षेत्र में 450 फुट का प्लाट होगा, चाहे वो एक परिवार का एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, सब अलग अलग अगर रह रहे हैं और उनके रेशन कार्ड वगैरह सब अलग अलग है, तो उनके लिए सबके लिए ये योजना है। सबको फायदा मिले, सबकी भलाई हो, ऐसी ही हमारी सरकार का नियत है और उसी दिशा में ये काम चल रहा है। अभी हमारे राज्य सरकार ने भी अभी ओबीसी को मकान मिलना चाहिए, इसलिए 10 लाख मकान वहाँ पे हम देने का निर्णय लिया है। तो उसमें दलित हो, आदिवासी हो, सभी को न्याय देने की भूमिका रखी। लेकिन योजना इतनी सरकार दे रही है, घर मंजूर कर रही है, लेकिन उसके लिए जो लगता है मटेरियल लगता है, सीमेंट महंगा है एक तो, दूसरा वहाँ पे उसको रेती की जो जरूरत है वो अगर पूरी नहीं होती होगी, तो उसके जो सरकार ने योजना लाई है उसका लाभ उसके तक कैसा पहुंचेगा, इसकी ज़्यादा चिंता है। इसलिए मेरी राजस्व मंत्री से और हमारे मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसमें निर्णय हो और गरीबों तक यहाँ पे डेपो शुरू करके गरीबों को न्याय मिले, ऐसी मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। मैं पहले ही कहा प्रशासन के उदासीनता से ये सब बातें हो रही है, प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। उसमें राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, रेती एक तरफ कहते हैं कि रेती वहां से आ नहीं रही है, यहाँ चोरी का ट्रक आता है 45,000 रुपये 50,000 रुपये का ट्रक आता है, तो वो कहाँ से आता है? तो इसके बारे में इसकी जांच होना चाहिए।